भाई वाह मजा आ जाता है भाई जब मैं नए टैलेंट को आते हुए देखती हूँ, जैसे कि माशाल्लाह मेरे भाई और बहुत सारे यहाँ पर नया टैलेंट नजर आता है गाहे बगाहे इस प्रोग्राम में रमजान ट्रांसमिशंस में। आप आए दिन यूथ से मिलते हैं, नए जवान खून से मिलते हैं, वो बच्चे जो हमें देख देख कर बड़े हुए हैं उनसे मिलते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि वो हमें देख देख कर आगे बढ़ रहे हैं। जब वो आके कहते हैं कि हम आपको बचपन से देख रहे हैं, मुझे इतनी खुशी होती है इस बात की कि कम से कम आप लोगों के यहाँ अच्छे प्रोग्राम्स देखे और सुने जाते थे। अब सेगमेंट शुरू करते हैं बांगे दरा। आज बांगे दरा में मेरी मुस्कुराहट की वजह बहुत सारी है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत ही प्यारे दो मुकर्ररीन से आपकी जो है मुलाकात कराने वाली हूँ। आज हमारे साथ हैं शाहजेब सज्जाद और नबीहा निहाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह कैसे हैं आप लोग? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों में से किस किस का रोजा है? दोनों का कहाँ रखा? पेट में। शुक्र है पेट में रखा है, कहीं गया नहीं, जुदा नहीं हुआ। आप लोगों का रोजा ख्याल रखिएगा, बस पेट से निकल ना पाए कहीं और। पक्का हो गया भाई? ये जो हमारे नन्ने नन्ने जो यहाँ पर डिबेटर्स है ना मौजूद, इनको जो आज मौजू दिया गया है वो है हमारी पहचान पाकिस्तान। सबसे पहले कौन अपनी तकरीर पेश करेगा भाई? नबीहा। चलिए नबीहा निहाल अपनी तकरीर शुरू करने वाली हैं और मौजू याद रहे हमारी पहचान पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुरू करो। कितनी कुर्बानियां देकर ये वतन पाया है, फूल उजड़े हैं हजारों तो ये चमन पाया है। इस चमन को अपने हाथों से ना बर्बाद करो, इसमें शामिल है शहीदों का लहू याद करो। जनाबे सदर और मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनवान है हमारी पहचान पाकिस्तान। जनाबे सदर, हमारी पहचान पाकिस्तान में जिसके सरसब्ज खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बलखाती नदियाँ, बहते दरियाओं की लहरें, इसके मैदान और इसके समंदर, समंदरों की गहराइयाँ, फूल ऐसे के जैसे जन्नत की हूरे, मगर जनाबे सदर इसकी मिट्टी और मिट्टी के अंदर दफन खजाने, शहीदों के खून से महकती है यही मिट्टी। जनाबे सदर इसका जर्रा जर्रा मेरी जान, इसके हर नजारे पर मेरा दिल कुर्बान। मगर जनाबे सदर, दुश्मन हमारी पाक सर जमीन को नापाक बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें जरूरत है तो सिर्फ जागने की और दुश्मनों से डट कर मुकाबला करने की। तो जागो कि हम जिंदा हैं और दुश्मनों से डट कर मुकाबला करो, ताकि फिर कोई दुश्मन हमारी पाक सर जमीन को अपनी मैली आंख से ना देखे। जाओ जाओ सबसे कह दो, कदम हमारे रुक नहीं सकते। जाओ जाओ सबसे कह दो, सर हमारे झुक नहीं सकते। रास्ता थोड़ा ही बाकी है, देखो देखो वो मंजिल है, जालिम डर के भाग रहा है। जीत हमारा मुस्तकबिल है, जीत हमारा मुस्तकबिल। हाय 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 हाय, पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, जीती रही है नबीया, जीती रही है। अगले जो यहाँ पर डिबेटर हमारे साथ मौजूद है वो है शाहजेब सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड डे। बिस्मिल्ला। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है, तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी जात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी जात की पहचान है। जनाबे सदर, मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उनवान है मेरी पहचान पाकिस्तान। जनाबे सदर, मेरी पहचान पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि ये नाम है, जो शोर जज्बे का, हिम्मत हौसले का, इज्जत अजमत का, ये एक शनाख्त है मुसलमानों की उमंग की। जनाबे सदर, मेरी पहचान पाकिस्तान एक सोच है, एक जज्बा है, जो पैदा हुआ इस्लाम के नाम पर जमहूरियत मेरा खासा है। खिदमत, तकरीम और कुर्बानी इसके बुनियादी तकाजे हैं। क्या बात है। जनाबे सदर, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत और मेरी जिंदगी की रानाइयां सब इसकी बदौलत है। जी हाजरीन महफिल, सर्दी गर्मी खिजा बहार, इन मौसमों की खूबसूरत शामे, उभरते सूरज ढलती शामों की खूबसूरत नजारे, मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि मेरे देश की रातें ही बहुत खूबसूरत है। ये आसमान के चांद से लेकर मेरे परचम पर बना हुआ चांद सितारा इस बात की दलील है कि रब्बुल इज्जत ने हमें चांद की तरह चमका और धमका रखा है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये बलखाती नदियाँ, ये दरिया, दरियाओं में मोती, ये सब्जेदार लहलाते खेत, खेतों से मिलते तरह तरह के फल, चश्मे, झीले, सहरा वगैरह वगैरह, मेरे कहने सुनने और समझने के लिए काफी है कि मेरे रब ने कुरान में फरमाया है,
कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को बेशक बेशक तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत का चराग, तुम कल शाम का सूरज हो उठल जाओगे, तरीका चाहे जो भी हो, सोच का अंदाज कैसा भी हो, तालीम की डिग्री कहीं से भी हासिल की हो, हर सीने में एक दिल है और मेरे लोगों की दिल की धड़कन पाकिस्तान है जो हम सब की पहचान है। मेरे तन में जोम नम नहीं, मेरी आँख में अभी वो नूर है, मेरे बाजुओं पर निगाह कर जो गुरूर था वो नूर है, मुझे ना तुझे नाज जश्ते कदम पे है, मुझे नाज जख्मे बदन पे है, यही नाम पर है बार का जो गुलाब मेरे कफन पे है, जो गुलाब मेरे कफन पे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं गुदो गुजो इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, माशाल्लाह अच्छे पप्पू कर लूंगी मैं अभी आगे, बहुत जोल छे, माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों का अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। और मौजू इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि बस मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरी पहचान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, वाकई में बहुत ही उम्दा मौजू। जनाब मैं कहूंगी, जनाब सदर नूरी भाई जी भाई, ये बताएं आपके ख्याल में नबीहा निहाल या शाहजेब सज्जाद? दोनों बुजुर्ग नाराज हो जाएंगे मुझसे। दोनों बुजुर्ग, देखें दुआएं तो बुजुर्गों की रहेंगी मुझ समेत, तो ये बताइए दोनों अदायगी, तलफ्फुज, पॉइंट्स, लॉजिक, अंदाज। आप जिस उम्र के अंदर ये बच्चे ना, हर चीज बेमिसाल है, अंदाज भी बहुत अच्छा है, लॉजिक भी बहुत अच्छी है, अदायगी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उम्र के हवाले से अदायगी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। दोनों ने कोशिश बहुत अच्छी की, दोनों ने कोशिश बहुत अच्छी की। मैं अपने कादिर ब्रादरान से कहूंगी, आपके ख्याल में दोनों में से किसको जीतना चाहिए ये मुकाबला? ये माइक कर लीजिए जी। बच्चों ने अच्छी कोशिश की, लेकिन मेरे हिसाब से नबीहा जो बच्ची जो है नबीहा ने ज्यादा। चले मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछती हूँ, बहुत ही दोनों बच्चे बहुत ही जबरदस्त बाकमाल, लेकिन नबीहा की तकरीर बेहतर। अच्छा, अंदाज थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा लेकिन थोड़ा सा बेहतर था। रुबाब आप क्या कहती हैं? माया दोनों ने बहुत अच्छी डिबेट की है, बहुत अच्छी तकरीर की है, और जिस कौम के बच्चे इतने जोशीले होंगे माशाल्लाह, परवरदिगार उस कौम का जो है वो हमेशा हामी और नासिर रहेगा, इन बच्चों के परवरदिगार इनकी जिंदगी करे, आमीन। नबीहा ने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा है बेटा, बहुत अच्छी डिबेट की है, लेकिन कुछ अल्फाज थे आपके मुबिम थे, कुछ छुपे हुए थे अल्फाज, इसके वाजे अल्फाज थे, थोड़ा सा बस यही फर्क है, और कुछ खास फर्क नहीं। दोनों की तकरीर है वाकई में बहुत अच्छी, बहुत जोशीला है माशाल्लाह जी। आपके ख्याल में रिजवाना भाई जी, आपके ख्याल में नबीहा? अच्छा अब मैं आवाम से पूछती हूँ, जिनके ख्याल में ये मुकाबला जीता है शाहजेब सज्जाद ने, नबीहा ने जीता है ये मुकाबला, तो तालियों से बजा दीजिए। दोनों बच्चों की बहुत अच्छी कोशिश और बहुत अच्छी तैयारी, मेरी बहुत सारे प्यार के साथ जो मिलेगा, देखो इससे बड़ा का तो तोहफा हो ही नहीं सकता, कोई हो गया ना, सबसे बड़ा गिफ्ट तो ये मिल गया, ठीक है। इसके अलावा नबीहा के साथ जाएगा वेस्ट पॉइंट की तरफ से इलेक्ट्रिक केटल और हिमानी का हैम्पर, और हमारे दूसरे जो हमारे साथ सज्जाद साहब, शाहजेब सज्जाद साहब मौजूद हैं, उनके साथ जाएगा मोबाइल फोन। मैं इन दोनों को बहुत सारे प्यार और आपकी तालियों में रिसेप्ट करना चाहूंगी। थैंक यू मेरा बच्चा, कि ना पाला बेटी है माशाल्लाह, तुम इतनी क्यूट क्यों हो, और तुम इतने क्यूट क्यों हो माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्हें पारे पारे माशाल्लाह दोनों से की बातें सुनकर वाकई में ना एक टाइम आ गया था, हम लोग सारे जोश मार रहे थे ना, फिर मैं ऐसे सुन के हो रहा था ना कि हर वो सही कह रही है वाकई में, ये पॉइंट हमने क्यों नहीं याद किया, हमें क्यों नहीं लिख के दी, तकरीर किसने लिख के दी थी बताओ? खाला ने। खाला से कहना माया आप ही के लिए भी लिख के देते हैं एक दो अच्छी तकरीरें हैं, और आप ही किसने लिख के दी? पुप्पो ने। पुप्पो से कहना माया पुप्पो के लिए भी लिख के देते हैं, डन हो गया, दोनों मेरे लिए अच्छी अच्छी तकरीरें लिख कर लेकर आना, सही है, फिर मिलकर तैयारी करेंगे और तीनों जाएंगे, हम बराबर ही तो हैं तीनों तकरीबन, एक आध साल का तो फर्क होगा और क्या, छोटे से वक्फे के बाद भी आते हैं, बल्कि रमजान में मैं हूँ माया खान, हमारे साथ रहेगा, क्या ख्याल है?